मीठा नहीं होता, जिसे कल के लिए खत्म करना है उसे आज से शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं संजय करोड़ीवाल योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वॉचिंग कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस टू बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर अपन ने स्टार्ट कर रखा था प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। पादप वृद्धि में अपने पहुंच गए थे लास्ट वीडियो में, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर थे जो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अपने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें अपने इस चैप्टर की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी करने वाले हैं, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक, और जनरली अपने बोल देते हैं प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन और एबीए, ये सब अपने डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेंट्रल पार्ट, इस चैप्टर का सेंट्रल पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन और एबीए, ये सारे अपने करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक हार्मोन को कंप्लीट करेंगे डीपली। तो आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पादप हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये वृद्धि को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं का मेजर रोल होता है प्लांट की ग्रोथ करने, ऐसे पदार्थ जो वृद्धि को, पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में इसका थोड़ा जिक्र किया था, लास्ट में अपने एक फैक्टर पढ़ा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और मैंने कहा था इसका अपने डिटेल स्टडी करने वाले, तो आज वो दिन है जिसका अपने डिटेल से स्टडी करने वाले। तो क्या होते हैं प्लांट हार्मोन, जैसे अपनी बॉडी में भी बनते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हार्मोन और एंजाइम का इम्पोर्टेंट रोल होता है, अपना जितना भी मेटाबॉलिज्म चलता है, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं, जितना भी बनता बिगड़ता रहता है बॉडी के अंदर, वो सब का सब डिपेंड करता है हार्मोन और एंजाइम्स। हार्मोन और एंजाइम्स के बगैर अपने बॉडी का जितनी भी एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ अगर होनी है तो वो डिपेंड करेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे, इनके बगैर काम नहीं चलना। होता क्या, कुछ रसायन होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक साइट से या स्पेसिफिक प्लेस से सिक्रीट होते हैं, बनते हैं, और उनका जो टारगेट साइट है जहां पर वो प्रभाव छोड़ेंगे वो अलग होता है। मान के चलो कि यहां पर प्लांट ग्रोथ बने, लेकिन उनका टारगेट, काम करने का जो स्थान है वो अलग होगा, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेंगे ये हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और माइक्रो क्वांटिटी में बनते हैं, बहुत अति सूक्ष्म क्वांटिटी में बनते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, और पादप की वृद्धि को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तो यही अपने पढ़ने वाले हैं पादप वृद्धि हार्मोन। जब बात चलती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, तो वहां पर एक साइंटिस्ट का, एक बॉटनिस्ट का नाम पढ़ा जाता है, उनका नाम है जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स 1882, उन्होंने 1882 के अंदर सबसे पहले हार्मोन की कंसेप्ट है वो सबके सामने रखा, कि क्या अवधारणा होती है, क्या कंसेप्ट होता है, हार्मोन नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं होती, वो सबसे पहले किसने बताया, जूलियस वॉन सैक्स ने 1882 में। उन्होंने अवधारणा रखी, कि ऐसा कंसेप्ट रखा कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन जो हार्मोन टर्म है, शब्द है, वो किसने दिया, हार्मोन शब्द, पहले हार्मोन नहीं बोला जाता था, पहले बोलते थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक, जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन जो शब्द दिया पादप वृद्धि नियामक के बजाय, उनको हार्मोन शब्द किसने दिया, तो वहां पर नाम आता है स्टर्लिंग का, स्टर्लिंग 1902 में, स्टर्लिंग ने 1902 के अंदर सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया, किनके लिए किया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए या पादप वृद्धि नियामक के लिए हार्मोन शब्द दिया स्टर्लिंग
1902 में एक और टर्म आती है फाइटो हार्मोन। देखिए मैंने अभी बताया कि हार्मोन है वो प्लांट के अंदर भी बनते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी या एनिमल के अंदर भी हार्मोन बनते हैं। तो ये जो हार्मोन बन रहे हैं अगर ये पादप के अंदर बने या पादप हार्मोन के लिए सबसे पहले फाइटो हार्मोन जो नाम दिया वो दिया था थिम्मन ने 1948 में। 1948 के अंदर थिम्मन ने सबसे पहले पादप हार्मोन के लिए शब्द प्रयुक्त किया फाइटो हार्मोन। मैंने बताया था कि फाइटो या फाइटोन जहां कहीं फाइटा वगैरह आता है उसका मतलब होता है पादप। तो पादप के अंदर बनने वाले हार्मोन फाइटो हार्मोन किसने दिया? थिम्मन ने। और एक डेफिनेशन दी फाइटो हार्मोन के लिए। तो डेफिनेशन क्या है कि बहुत कम मात्रा में बनने वाले ऐसे रसायन, अति सूक्ष्म मात्रा में बनने वाले ऐसे रसायन जो पादप की वृद्धि को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इनका उत्पत्ति स्थल अलग होता है और उनका जो टारगेट साइट होती है वो अलग होती है। यानी ये जहां पर बनते हैं या सिक्रीट होते हैं, श्रावित होते हैं, वो अलग स्थल होता है और इनके काम करने का स्थल अलग होता है। उनको ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है पूरी प्लांट बॉडी के थ्रू और वो पहुंचते हैं टारगेट साइट पर, वहां पर काम करते हैं। तो थिम्मन ने क्या बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इन माइन्यूट क्वांटिटी इन माइक्रो क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइट ऑफ प्लांट बॉडी एंड इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट आर हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जितने भी हार्मोन है प्लांट के अंदर बनते हैं टोटल पांच बनते हैं। मेजरली कितने बनते हैं? नेचुरली पांच टाइप के हार्मोन है वो एक प्लांट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। उनको क्लासिफाइड किया गया है मेजर दो कैटेगरी के अंदर है। जो पहला है वो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है, ये कैटेगरी रखी गई है उसमें। उसको नाम क्या दिया गया? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। और दूसरी कैटेगरी, दूसरी क्लास, दूसरा वर्ग बना दिया गया ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन या वृद्धि संदमक यानी दबाने वाले या वृद्धि को कम करने वाले या बाधित करने वाले हार्मोन, वृद्धि संदमक हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। और एक ऐसा हार्मोन भी है जो दोनों कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में ऑक्सिन्स रखा गया है। देखिए ऑक्सिन नहीं बोल रहा मैं, ऑक्सिन्स बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन का ग्रुप होता है। तो ऑक्सिन्स हो गया। उसके बाद साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन नहीं है वो, साइटोकाइनिन्स है। उसमें भी कई टाइप के क्या आते हैं, हार्मोन देखे गए हैं। तो पहला ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन्स है और तीसरा है जिब्रेलिन। ये सारे के सारे, ये जो तीनों मैंने अभी बताए हैं उनको रखा गया ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन में क्योंकि ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी? दूसरी कैटेगरी अपना ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, जिसमें रखा गया सिर्फ एक को, वो है एबीए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल है वो पूरी तरह से किस प्रकार का हार्मोन है? वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, संदमित करता है, वृद्धि को दबा देता है, नहीं होने देता। वो है एब्सिसिक एसिड या एबीए। अब एक हार्मोन और बच गया, उसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन एक तरह का गैसीय हार्मोन है, गैसीय अवस्था में बनता है। और ये क्या होता है? ये दोनों तरह से बिहेव करता है। ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और साथ में ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। ग्रोथ को बढ़ाता भी है, ग्रोथ को प्रेरित भी करता है और ग्रोथ को कम भी करता है। तो इसको दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। वो है इथाइलिन। कैसे काम करते हैं सारे हार्मोन वो अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से अपने स्टार्ट करने वाले ऑक्सिन्स। तब तक बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।